इतने सारे बच्चे भी आ गए। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं? आप सभी का कैडेट्स डिफेंस एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा। ओम प्रकाश पटेल, ओपी पटेल मेरा नाम है। मैं आपको जीएस पढ़ूंगा और जीएस में आपका पार्ट देखो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की बात करते हैं और इसके अलावा डिफेंस के जो भी अदर एग्जाम है उनके लिए मैं जीएस पढ़ाऊंगा। ठीक, तो चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपके स्पेशल वाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए और दूसरे डिफेंस के एग्जाम के लिए कौन कौन सा जीएस का बहुत ही हल्का पार्ट आता है, बहुत हल्का, उसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए बच्चों, उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले देखो, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी, कोई हिंदी मीडियम से भी है, इंग्लिश बोलेंगे हमसे ना, तो उसमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले उसमें आती है हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री के बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, बहुत आसान, आपका सिलेक्शन 100% है, कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन साथ साथ चलते रहना, मिस मत करना क्लास और प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है, बस तीन प्रकार की हिस्ट्री में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी यहाँ तो प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं। कौन सा, एक तो एंशियंट, एक मिडवल और एक मॉडर्न। मॉडर्न से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, गांधी जी के बारे में पूछा जाएगा, समाज सुधार के बारे में पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति और इंडियन नेशनल फ्रीडम के बारे में पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, कौन कौन से क्रांतिकारी हुए, गदर संगठन कब बना, कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ, ऐसी ऐसी बातें जो है घटनाएं पूछी जाएगी। मिडवल से आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, हिंदी मीडियम में चिंता ना करें ना, हाँ तो हिंदी मीडियम में तो और खुशी की बात है ना, इंग्लिश मीडियम में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं काफी बच्चे हिंदी इंग्लिश मीडियम से भी हैं, हिंदी मीडियम से भी हैं, कोई चिंता ना करें ना, कहाँ समस्या आएगी। अब तो हमने पहले क्या पढ़ा, इतिहास के बारे में बात की, तो ये इतिहास पहली बात होगी। तो इतिहास में क्या क्या पढ़ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। बहुत आसान आसान कहानियां हैं, कहानियों को मैं बताता जाऊंगा, समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ठीक, बहुत अच्छा ना। हाँ दूसरी बारे में बात, दूसरा क्या आएगा, भारत का संविधान, क्या है संविधान, अब संविधान के बारे में पढ़ेंगे, भारत का संविधान क्या है और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था, प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल क्या होता है, ऐसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। संसद क्या होती है, कुछ आर्टिकल है जैसे मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, कुछ अनुसूचियां हैं, पारा कुछ अमेंडमेंट है, संविधान का संशोधन है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत आसान वाला पार्ट है। तीसरा वाला पार्ट भूगोल, बच्चों यहाँ भूगोल बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने आपका सिलेबस देखा, नोट किया, प्रश्नों को भी देखा मैंने, आपका ज्योग्राफी के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भारत क्या है, भारत के राज्य क्या है, कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं, कौन कौन से डैम बने हुए हैं और इंडस्ट्री यानी कौन कौन से मिनरल्स निकल रहे हैं, कौन कौन किस प्रकार की जलवायु, ये आपके प्रश्न आ रहे हैं। तो सॉइल से पूछा गया और कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ ट्रांसपोर्टेशन से ठीक ठाक प्रश्न थे, तो इसके बारे में देखेंगे। भूगोल भारत का भूगोल के बारे में से ज्यादा है, कुछ जो है आपको बहुत ही नॉर्मल सा पूछा गया है, कहाँ से वर्ड ज्योग्राफी से यानी कि विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल में महाद्वीप कौन है और महासागर कौन है, महाद्वीपों में कौन कौन सी बड़ी बड़ी नदियां, जैसे अमेजन कह दिया हमने, जो है एक और जैसे नाम दिया राइन नाम दे दिया, कांगो, नील, ऐसे बड़े बड़े नाम जिनके बारे में थोड़े थोड़े प्रश्न पूछे गए। बहुत ही आसान सा पार्ट है, तीन दिया हमने। फोर्थ में यहाँ साइंस से तो आपका जनरल साइंस, जनरल साइंस का मतलब ऐसा कि जो टेंथ वाला बच्चा, नाइन्थ टेंथ वाला बच्चा जो पढ़ता है बस वही है यहाँ, और इसके अलावा कुछ नहीं, यानी कि साइंस हमने, यानी मैंने लिख दिया विज्ञान, सामान्य विज्ञान, विज्ञान में भी सामान्य विज्ञान, उसमें कैसे कोशिका क्या है, इतना इजी प्रश्न, या दाब क्या होता है, प्रेशर, जिसके बारे में बातचीत कर,
बहुत आसान आसान से प्रश्न, जैसे केमिस्ट्री में पूछा गया प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के बारे, रबर रबर के बारे में पूछा गया, कांच क्या है, ग्लास के बारे में पूछा, इतने ऐसे ऐसे इजी सिंपल भी से प्रश्न है। यह तो आपका होगा स्थिर, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्टेबल वाला पार्ट। इसके अलावा बच्चों को प्रश्न है वो क्या है वो मैं आपको समझा दूँ। एक है इसमें करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से प्रश्न अच्छे निकलते, वैसे 2 से 3 प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं आएंगे वाई ग्रुप में। इनमें से जो है लगभग 7 से 8 के आसपास प्रश्न बन रहे हैं, तो 8-10 प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में जो आपको करने, ठीक। तो ये आप समझेंगे, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इसके अलावा कौन सा पार्ट, साइंस का पार्ट, और करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी के बारे में पढ़े। अब इसके अलावा क्या है, प्राइज, इसी में है वैसे, प्राइज का मतलब कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, किस किस में मिले हैं पुरस्कार, जैसे खेल रत्न पुरस्कार की बात की जाए, परमवीर चक्र के बारे में पूछा गया ना, कौन कौन से पुरस्कार दिए गए पहले के, और इस करंट अफेयर से संबंधित बातें भी पूछी जा रही है, प्राइज। दूसरा है आपके बुक्स, कौन कौन सी किताबें हुई, तो किताबों के बारे में और उनके ऑथर के बारे में, उनमें क्या लिखा गया, ये वाला कुछ तो जो पुरानी किताबों से है और कुछ जो अभी करंट के अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं उनसे। उसके अलावा तीसरा प्रश्न, यानी तीसरा जो टॉपिक ले रहे हैं वो है डेज, डेज यानी कि डेज का मतलब एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे प्रश्न, तो डेज से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा, लंबा, इस तरह से आपके प्रश्न, भारत का हो या विश्व का हो, पहला प्रथम भारत का राष्ट्रपति कौन, पहला भारत का उप प्रधानमंत्री कौन, समझ, ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे गए, यानी कि स्टेबल वाला पार्ट। बस ये आपसे प्रश्न जहाँ से आपके एग्जाम में पूछा है, ये आपका सिलेबस है बच्चों, कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत ही आसान सा पार्ट है। अब एक एक को लेके हम पढ़ेंगे और एक एक को हम समझाता जाऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों, तो चलिए। लेकिन कुछ पढ़ने से पहले मैं आपको चीज बता दूं कि एक आपको पेपर जैसे एग्जाम में जो आएगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, ठीक। उसके साथ साथ मैं आप यहाँ हम स्टडीज पूरे के पूरे सेशन में आपका सिलेक्शन करवाने के लिए मेरी जो जिम्मेदारी है जीएस की, उस जिम्मेदारी को मैं इस तरह से निभाऊंगा कि देख लेना सिलेक्शन हो जाएगा, बेफिक्र है। लेकिन साथ साथ पढ़ते जाना, घर में प्रैक्टिस करते रहना, यह जरूरी है, इसके बिना फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, संभव कैसे हो सकता है अगर पढ़ोगे नहीं तो। अब ये चीजें जो मैंने बताई यही आपका सिलेबस, यही आपका सिलेबस है जिसमें से हमें पढ़ना है। कुछ पार्ट ऐसा जैसे यहाँ इसी के साथ में कुछ स्टेबल वाला पार्ट, जैसे कि मुद्राएं, यानी कि जैसे क्या येन कहाँ की, युआन कहाँ की, डॉलर कहाँ की, रेड कहाँ की, यानी कि ये क्या मुद्राएं यानी करेंसी कहाँ कहाँ की। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन सी न्यूज़पेपर एजेंसी कहाँ की, कौन सी पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, इस पार्लियामेंट की जैसे मजलिस किस कहाँ बोलते हैं, ड्यूमा किसको बोलते हैं ना, तो उसके उस तरह से कुछ आपके गुप्तचर एजेंसियाँ जैसे रा कहाँ की है ना, इंटेलिजेंस विंग जिसे बात कर रहे हैं, उसके अलावा मोसाद कहाँ की, तो ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में पूछा, यानी कि ये भी स्टेबल वाला पार्ट है, वहाँ से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो मुश्किल, हाँ बिल्कुल, ऐसे प्रश्न भी इसी से जुड़े हुए हैं। हाँ, मिलिट्री वार भी पूछता है, वार तो उसमें लेंगे ना, हिस्ट्री के साथ वाले पार्ट में ले लेंगे, इसके साथ में भी ले लेंगे। वार का मतलब कुछ तो वार और कुछ वो उसके क्या बोलते हैं, जो प्रैक्टिस होती है आपस में मिल करके, जो है 2 या 2 से ज़्यादा देश मिल करके क्या करते हैं प्रैक्टिस, वार युद्धाभ्यास करते हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। कुछ ऑपरेशन है वहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं, मैंने देखा है सारा चीज़ों को, मैंने लगभग 4-5 दिन से यही एनालिसिस कर रहा था कि बच्चों का एग्जाम में आता क्या है। जब पूरा पता चला कि ये आ रहा है तब तो लगा कि कुछ है ही नहीं, तो सिलेक्शन तो होना ही है, कहाँ जाएगा बताओ। तो वो चीज़ें हिट करेंगे जो आपका आपके सीधे एग्जाम में आए। जो बच्चे यहाँ मेरे से जुड़े हुए हैं और इन्होंने NDA का पेपर दिया है, उन्हें पता है कि मैंने जो यहाँ पढ़ाया 1.5 से 2 महीने के अंदर, उनमें से कितने प्रश्न आए, 22 से 23 प्रश्न तो हूबहू, कुछ भी चेंज नहीं था उसमें, ऐसे आए। अब देखो इसके अंदर हम बात आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगा हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पहले जैसे सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट में आपकी थीम समझाई जाएगी, जैसे हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और उसको याद कैसे रखना है, ट्रिक्स क्या है, उसके साथ में ट्रिक्स भी जोड़ते चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद में हम करेंगे प्रश्न, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा आपके प्रश्न कर रहे हैं,
जितने ज्यादा प्रश्न करोगे प्रश्न ही एग्जाम में सीधा आएगा, इस तरह से चलेंगे। तो पहले मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा अभी लगभग 25 से 30 प्रश्न के आसपास, और उसके बाद में फिर मैं आपको इतिहास स्टार्ट करूंगा। आज से हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री का एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न के बारे में हम जानकारी लेंगे और एक एक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सब बच्चों, चलते हैं आगे। एब्रिविएशन भी आती है बच्चों, बिल्कुल सही है। खास एब्रिविएशन पुरानी किसी की नहीं आएगी, ऐसे जैसे UNO, WTO, ये खास ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा आएगी अभी कर वर्तमान में, जैसे हम कहते हैं COVID-19, हम क्या बोलते हैं कोविड, ऐसे बोलते हैं ना, ये कोविड नाइनटीन इसका अर्थ क्या है, यहाँ यह क्या है, यह कोरोना वायरस की बात। तो यह कोरोना वायरस है ना, वायरल डिजीज किसकी है, कौन सी, 19 की, 2019 के अंदर जो आई है ना, तो ऐसे इसमें से पता चलने वाली बात है। तो यह जैसे करंट से रिलेटेड है वहां से जरूर आएगा एब्रिविएशन का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चों, मैं आपकी नज़र आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। PDF भी भेज दी जाएगी आपको, PDF भी भेज दी जाएगी, नोट्स भी भेज दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी भेजे जाएंगे, आपकी पूरा सिलेक्शन लेने की जिम्मेदारी है। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो है भरोसा करके और फिर जो है कुछ किया काम ना जाए, सिलेक्शन दिलवाना जरूरी है, मस्त है, इसके बिना सांस भी नहीं लेनी हमें, खुद भी ना, और आपको भी ऐसा करना है। तो बच्चों देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा, तो तैयार हो जाइए और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रश्न आप खुद जो हैं देखोगे, अच्छा, और आंसर दोगे, मैं आपके साथ हूं पूरी तरह। देखो सभी जगह से प्रश्न लिए हैं मैंने, थोड़े सभी जगह से लिए, पूरा आपका सिलेबस नोटेड है ये। सबसे पहले देखो हमने लिखा है कि पेडोलॉजी, देखो पेडोलॉजी क्या है, तो पेडोलॉजी के बारे में जानकारी लेनी आपको, क्या चीज है पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी किसको बोलते हैं, यानी एक साइंस का पार्ट है पेडोलॉजी। पेड़ का मतलब होता है बच्चों मिट्टी का, यानी भूमि का एक टुकड़ा, तो भूमि का एक टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा का मतलब क्या हुआ, यहाँ मिट्टी से, सॉइल से, तो स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। बहुत आसान सा प्रश्न था और एग्जाम में आता है, बार बार आता है, पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, तो देखो दूसरा क्या, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज नॉन एज, रेशम का कीड़ा जो है उसे पालने को क्या बोलते हैं, तो रेशम का कीड़ा जो है उसे पालने को क्या बोलते हैं बच्चों, तो सिल्क कर्मी पालन, यानी कि क्या है, सेरिकल्चर, हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद रखना है। यहाँ आएगा रेशम कीट पालन, वो ऐसे नहीं पूछेगा, वो लिखेगा सेरिकल्चर, हिंदी में भी लिखा सेरिकल्चर। ठीक, ओके, फ्लोरिकल्चर कहाँ से बच्चों हो गया, सिल्क वर्म के को जो पालने को फ्लोरिकल्चर कैसे कहेंगे, फ्लोरी का मतलब तो क्या था, फूलों की खेती, किसी ने लिखा है बच्चे, यहाँ नजर पड़ी थी मेरी अभी, किसी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आइसोटॉप किसको बोलते हैं, ये हु बहु प्रश्न पूछा कहाँ, सेम का सेम प्रश्न आया था अभी NDA में, किसको बोलते हैं, जहां पर जिसके अंदर परमाणु भार तो अलग अलग लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक का मतलब एटॉमिक नंबर सेम, तो देखो यहाँ परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न होता है और परमाणु संख्या जो है समान होती है, एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, बी इसका सही है बच्चों, देखता जा रहा हूं आपको, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, साइंस के हल्के फुल्के प्रश्न भी सारे हैं, मिक्स है। एक परमाणु में कक्षाओं को भरने के क्रम को नियंत्रित किया जाता है, ये किसने कहा था, ये नियम किसने दिया है, एक व्यक्ति यूरोपियन एक व्यक्ति है, जर्मनी का नाम है अफबाऊ ने कहा कि किसी भी कक्षक में परमाणुओं को भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए परमाणुओं में तो उच्च ऊर्जा वाले होंगे इलेक्ट्रॉन जो हैं उसमें जो हैं, किस तरह से सेट किया जाएगा उनके बारे में कहा था, यानी अफबाऊ का नियम था बच्चों। नेक्स्ट आगे देखिए, वो कौन से ग्रह हैं, यहाँ पर सारी बात आपको जानकारी लेनी चाहिए ना, और यह दे भी देता हूँ, देखो कैसे हैं, देखो समझो इसको, ये कौन है, ये सन, सन के बाद में यानी कि सूरज है,
सूरज के बाद में कौन सा आता है? मरकरी। मरकरी का मतलब बुध आता है। बुध के बाद में कौन सा है? तो बुध के बाद में वीनस, यानी कि शुक्र के बारे में, शुक्र के बारे में बाद में कौन है? पृथ्वी। तो अर्थ है, यह अर्थ पृथ्वी, यह पृथ्वी होगी। पृथ्वी के बाद में कौन सा आता है? मंगल। तो यह मार्स या मंगल हो गया, ये मंगल। मंगल के बाद ये जुपिटर, बड़ा सा जुपिटर, यानी कि बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद में ये शनि हो गया, यानी इसे कहेंगे सैटर्न, यानी शनि। शनि के बाद ये अरुण और ये वरुण हो गया, या अरुण का मतलब नेपच्यून और ये यूरेनस, और ये हो गया नेपच्यून, यानी यह अरुण और यह वरुण। अब देखो, समझो इस बात को, क्या लिखा है यहाँ। अब यहाँ पर लिखा क्या है? मंगल ग्रह। अगर पूछा जाए प्रश्न कैसे आएंगे, तो सूर्य से दूरी के आधार पर मंगल ग्रह कौन से ग्रह, कौन से नंबर का ग्रह है? तो सूर्य यह है और ये मंगल है, तो कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मंगल कौन सा है? चौथा। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सी है? तीसरी। ऐसे प्रश्न। शुक्र के कितने उपग्रह हैं? सैटेलाइट कितने हैं? कोई सैटेलाइट नहीं, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, इसका अकेला एक है, चंदा मामा जिसे बोलते हैं। इसके दो हैं, डेमोस और फेबोस, मार्स मार्स मंगल के। यह एस्टेरॉइड होते हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉइड। ऐसे प्रश्न है। अब यहां से क्या पूछा? सबसे बड़ा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा, तो क्या बोलोगे? बृहस्पति। लेटा हुआ ग्रह यानी सोया हुआ ग्रह कौन सा है? तो लेटा हुआ ग्रह जो है बच्चों, वह है यूरेनस, यानी अरुण व लेटा हुआ, या लेइंग प्लैनेट या स्लीपिंग प्लैनेट बोलते हैं। मंगल क्या? लाल ग्रह है मंगल। और शनि कैसा है? तो शनि सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, सेकंड। और इसी के चारों ओर चल्ले हैं, रिंग्स हैं, और इसलिए वो सुंदर दिखता है। क्या है? शनि ग्रह। बहुत सारे देखो बच्चों के आंसर भी आगे धड़ाधड़ 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 सारे, ठीक है, ऐसे ही है। शनि सैटर्न के चारों ओर क्या बच्चों? रिंग्स। बस इतना सा याद रखना, समझेंगे टॉपिक है, पढ़ेंगे इसको, है ना। बस हमने तो यहाँ इतनी सी बात बताई, अब आगे बढ़ते। जीनोम मैपिंग क्या होता है? जीनोम मैपिंग का क्या मतलब है? यानी मैप बनाना है किसका? जीनोम का। जीन का मैप। जीन क्या होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए के ऊपर होते, डीएनए से जो खंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जीन्स। कहाँ रहते हैं? वो गुण सूत्रों पर रहते हैं, क्रोमोसोम्स पर रहते हैं। तो वह हमारे जेनेटिक करेक्टर की इकाई या यूनिट होते हैं। कौन? जीन। तो जीन का क्या बनाना है? जीन का मानचित्र बनाना है, जीन मैपिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो इनमें से कौन, दूध को दही में कौन बदलता है? दूध को दही में बदलने वाला कौन है? बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया बच्चों? मायोपिया क्या होता? मायोपिया से प्रश्न पूछा है, मायोपिया का मतलब क्या है? दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती है, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखती। इसलिए क्या किया जाता है बच्चों? इसीलिए इसमें लगाया जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस को यूज करना है। एक कौन? वैक्स लेंस को प्रयोग में लाया जाता है बच्चों, ठीक। बहुत जहां बिल्कुल फार हाँ ब्लाइंडनेस की तरह, फार साइटनेस की बात है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी ऑडियो प्लेयर किसका उपयोग करता है? किसका करता है बच्चों? लेजर बीम का प्रयोग करता है वो। लेजर बीम पड़ती है, ऑडियो प्लेयर चलता है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड होती है वहाँ। आगे बढ़ते हैं, देखो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये भी प्रश्न आपके एनडीए में था, जिन बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया है उसमें इतना सीधा प्रश्न क्या था? प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहाँ बनती है? तो रेटिना पर, बस कुछ। अब यहाँ और हम तो आगे बढ़े, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? तो मैंने बताया था छोटा, उल्टा और रियल। तो यहाँ छोटा, उल्टा, रियल का है, तो छोटा का मतलब स्मॉलर, और क्या? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, सी इसका ऑप्शन सही गया बच्चों। आगे देखो, इसमें ये आपके साइंस साइंस वाले सारे प्रश्न हो गए, ये साइंस से हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आ रहे, घूम रहे फिर रहे। इन्हीं में से हमने जो है एनडीए में यहाँ से तीन प्रश्न निकले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कितने में से प्रश्न देख लेना, पेपर आप लोगों के पास होगा या ले लेना इधर उधर से देखना, और जिन्होंने दिया है उन्हें पता है, जिन्होंने दिया है पेपर उन्हें पता है, शायद जो उनसे सच बुलवा दूं भी मैं कि देख लो पेपर में था कि नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नंबर भी बता दे कौन से नंबर के थे। आगे देखो बच्चों, इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन विश्व धरोहर के अंदर सम्मिलित है? यह आपका कहां से आया? आर्ट और कल्चर से, और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न रहा है यह, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है।
पहले तो इसके अंदर और क्या क्या बात है उसके बारे में देखें। तो बच्चों इसके बारे में देखो, रेलवे स्टेशन का पूछा है तो वह कौन सा, बिल्कुल ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पहले कहते थे वीटी, आज भी बोलते हैं। आप वहां पर जाओगे तो लोग बोलेंगे कहां वीटी जा रहे हो, वीटी बोलते, क्योंकि वीटी का मतलब विक्टोरिया टर्मिनस, महारानी विक्टोरिया के नाम पर। आजकल क्या बोलते हैं उसको, छत्रपति शिवाजी नाम से बोलते हैं, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोलते हैं। मुंबई के अंदर पड़ता है बच्चों, याद रखना मुंबई के अंदर। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि ये क्या है, तो भारत के अंदर जो रेलवे मंडल है, रेलवे जोन जो है 17 है, पहले कितने थे 16, अब कितने 17 है। वो 17 रेलवे जोन का हम बात करें तो उसको एक पार्ट पड़ता है कौन सा, उसे कहते हैं सेंट्रल, सेंट्रल रेलवे जोन। तो सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, याद रखोगे सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, भूलोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, राज्यसभा में, राज्यसभा में कितने लोगों को राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है, यानी कि वह उसे नामांकित करता है, नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, ऐसा भी कह सकते हैं, मनोनीत ज्यादा सही था, ठीक, मनोनीत कितने को कर रहा है, वह 12 को करता है, बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, 12 को करता है बच्चों, 14 कहाँ है, 14 तो आंसर भी नहीं है, किसी ने 14 भी लिखा है, मेरी नजर शायद पड़ी तो थी अभी ना, हाँ 12 है बच्चों, 14 लिखे ऑप्शन ही नहीं, कैसे लिखती आप, हाँ बिल्कुल जैन चौधरी, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सही कहा आपने, जैन कह रहा है, हाँ अच्छा जतिन चौधरी, जतिन चौधरी का आपका पढ़ाया हुआ हूबहू फंसता है, फंसता है मत कहो बच्चों, है ना, फंसता का मतलब गलत हो जाता है, हाँ आता है ना, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे आपकी भावनाएं सही है बिल्कुल, है ना, आपका कहना उचित है, बिल्कुल सही बात है 100%। आप देख लेना आपका पेपर में 8 से 10 प्रश्न जो भी आएंगे वाई ग्रुप वालों के, और या जीएस के अंदर जिसका भी पार्ट आएगा देख लेना, उसका 80 से 90% अपना पढ़ाया हुआ आएगा, 80 से 90% सिलेक्शन होना ही है, कहाँ नहीं होगा। आगे बढ़ो बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, मानव मस्तिष्क का आगे वाला भाग ही है सबसे बड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, आगे वाले भाग को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, लेकिन इसके भरोसे मत रहना प्रमस्तिष्क के, हालांकि लिखा है इसने प्रमस्तिष्क, क्योंकि वहां प्रमस्तिष्क की जगह वाले देगा शेरे शेरे बेलम या शेरे ब्रह्म, ऐसा टर्म आएगा, तो ये क्या है शेरे ब्रह्म, शेरे ब्रह्म है, याद रखना शेरे ब्रह्म या प्रमस्तिष्क वह सबसे बड़ा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए बच्चों, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया और आने लायक है ये प्रश्न, और आता ही है बार बार आता है, अब इसको मैं पूरा बताता हूँ फिर समझोगे इसको, पूरा प्रश्न को मैं सॉल्व कराता हूँ क्या है, क्योंकि प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व कराया जाएगा। सबसे पहले देखो, क्योंकि मुझे पता है बच्चों कि इतिहास पढ़ने का मतलब हो गया कम से कम 4 महीने इतिहास चलता है, सिर्फ चार महीने इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वह उसके अंदर मोटे मोटे तौर पर समझा जाएगा। अब आपके अंदर 4 महीने पर पूरे सब्जेक्ट करके सिलेक्शन लेना है, इसीलिए वही प्रश्न उठाए गए हैं जो एग्जाम में हूबहू और बार बार आ रहे हैं बस, और यही मेरा काम है कि आपको कम समय में सिलेक्शन करवा दिया जाए, बस ये मेरा काम रहेगा, इसीलिए मुझे नहीं तो आपको पढ़ाते मुझे पता है कि भूगोल 5-6 महीने ले लेगा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं उस चीजों को पढ़ाने का, बस आपका सिलेक्शन करवाना मकसद है, इसीलिए ये चीजें तैयार की गई हैं बच्चों। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, अब सारे प्रश्नों से ही हम पूरा का पूरा थ्योरी उड़ाएंगे, पूरी थ्योरी प्रश्नों से करवाऊंगा मैं, कुछ जो चीजें समझानी पड़ेगी वहां पर जरूर फ्रेमिंग करके समझ। मोती मस्जिद बच्चों, मोती मस्जिद पहले तो किसने बनाई है, पहले ये याद रखना है। तो मोती मस्जिद जो है वह दिल्ली के आगरा के लाल, दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला, उन दोनों के अंदर है बच्चों, दोनों के अंदर। अब यहां पर क्या लिखा है देखो, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और महाबोधि परिसर। तो सबसे पहले यहाँ क्या क्या आपको प्रश्न सॉल्व कैसे करना है उसको सिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये तो आपके सामने है कि महाबोधि मंदिर में तो है ही नहीं, परिसर में तो है ही नहीं, बोध परिसर में तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ बात करें दूसरा कौन सा, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जहाँ बनाई गई है, कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, वो तो दास वंश का गुलाम वंश का था उस समय की पीरियड की बात है।
तो उस समय मुगलों का तो कोई मतलब ही नहीं आता, पता ही नहीं था। तो यह वाला पाठ तो मोती मस्जिद उस समय की विपन्न नहीं है। ऐसा प्रश्न आएगा, भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? तो कुवत उल इस्लाम, याद रखोगे कुवत उल इस्लाम, जो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब यहां की बात कुछ और है। हुमायूं का मकबरा, इसको भी विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया, ये दिल्ली में है, याद रखना बच्चों। ये कहाँ है? दिल्ली में। यह अभी विश्व यूनेस्को ने मान्यता दे रखी है इसको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी। दूसरा यह भी साइट है, और यह कुतुब मीनार परिसर जो मेहरौली में पड़ता है, यह भी साइट है, और यह लाल किला परिसर पड़ता है, यह भी साइट है। तो दिल्ली का लाल किला बनाया शाहजहां ने, याद रखना, शाहजहां ने, शाहजहां। और अगर प्रश्न आए कि आगरा का लाल किला, तो आगरा का लाल किला बनाया बच्चों अकबर ने, याद रखोगे, भूलोगे नहीं आप। अब प्रश्न क्या पूछा? मोती मस्जिद कहाँ पड़ती है? तो मोती मस्जिद जो है शाहजहां ने जो ये लाल किला बनाया उसके अंदर बनाई थी, बाद में किसने? औरंगजेब ने। तो आप ये औरंगजेब के बारे में याद रखना है, ठीक, याद रखना इसको, औरंगजेब ने बनाया, याद रखना, मोती मस्जिद औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में बनाई, भूलना नहीं है। प्रश्न सारे मैंने सॉल्व करा दिए यहाँ के, आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? देखो, मुगल सम्राट ने अपने पिता को जेल भेजा था और भाई की हत्या की थी। शाहजहां को जेल भेजा और उसने अपने भाइयों की हत्या की थी। कौन था वह व्यक्ति? वह था औरंगजेब। औरंगजेब था, पता है आपको ना। आगे बढ़ते देखो, अशोका वाज एन एम्परर ऑफ विच डायनेस्टी? बहुत आसान सा प्रश्न। अब यह प्रश्न जो नहीं कर पाता है तो बहुत कमजोर बात। अशोक मौर्य, अशोक सम्राट, अशोक महान है ना, मौर्य वंश का डायनेस्टी का, मौर्य वंश की डायनेस्टी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलावा देखो, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन से? मैं कहता हूं ये गलत करेंगे प्रश्न, बच्चे गलत करोगे, लेकिन करना नहीं है। अरे बंधु, कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ लेना, पहले ये प्रश्न कर ले, है ना। 31 प्रश्न है, ज्यादा है ही नहीं, है ना, कि 20 या 30 प्रश्न, हाँ 31 प्रश्न रहे, हो गया कुछ नहीं, 10-1 प्रश्न है, फिर आराम से पूछ लो, पहले ध्यान दो यहाँ। हाँ मुझे पता था, मैंने पहले कहा था बच्चे गलत करोगे। हाँ 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 हाँ, कर लिया गलत, प्रश्न को बिना पढ़े सॉल्व नहीं करना है। आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, और दिमाग में सारी रात पड़ रखा है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, तो वहाँ वाशिंगटन देखते ही लगाओगे वाशिंगटन, क्योंकि रात को मैंने पढ़ा था। अरे लाभ ने पढ़ा था, अच्छा था, लेकिन पूछा क्या है? पूछा क्या है? वो ध्यान नहीं दिया है। तो अब इसको देखो क्या है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का है बच्चों। अगर स्पीकर बोलता यानी कि अध्यक्ष बोलता तब तो जीवी मावलंकर है, जीवी मावलंकर, ठीक, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, स्पीकर, स्पीकर की जगह क्या पूछा है, डिप्टी स्पीकर। तो अब क्या बोलोगे आप, प्रश्न गया कि नहीं गया सेंच? तो यह है अनंत स्वयं आयंगर, याद रखना, अनंत स्वयं मन आयंगर, ठीक। तो देखो गड़बड़ कर दिया बच्चों ने, फुर्ती फुर्ती में गड़बड़ हो गई है, बाकी गलत नहीं वो कर सकते थे आप, लेकिन आपने पढ़ा नहीं सही तरीके, इसलिए गलत हुआ ये। आगे बढ़िए, स्पीकर होता है, हाँ वो स्पीकर है, स्पीकर का मतलब अलग है और इसका मतलब, वो स्पीकर है यानी अध्यक्ष, और डिप्टी स्पीकर का मतलब उपाध्यक्ष, ये बात है बच्चों। और पहले अगर बोला जाता कि वाइस प्रेसिडेंट कौन, तो ये वाइस प्रेसिडेंट कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पहले वाइस प्रेसिडेंट, बस खत्म। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान की बात है ना, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी शेड्यूल से कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में कितनी है, 12, और जब संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय कितनी थी? तो उस समय कितनी थी बच्चों, उस समय 8 थी, उस समय कितनी थी, 8, और अब कितनी है, अब कितनी है, अब 12। तो ऐसे दोनों तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो गलत नहीं करोगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा, बहुत बढ़िया ना, हाँ। देखो ना, हाँ
क्या है यहाँ? बिल्कुल आंसर तो आ गया काफी बच्चों का ना, लेकिन मैं इसमें से भी बहुत कुछ पूछना चाह रहा हूँ। क्या पूछना चाह रहा हूँ, देखो, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत बच्चों 1951 से स्टार्ट हुई। अब इस समय किसके ऊपर जोर दिया गया था, जोर किसके ऊपर था? तो इस समय जो जोर दिया गया था बच्चों, वह दिया गया था पहली में किसके ऊपर जोर दिया, सिंचाई इरिगेशन और कृषि, याद रखना एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा, एग्रीकल्चर पर यानी और इरिगेशन पर जोर दिया गया था। ये बात, ये कौन सा मॉडल था? तो ये मॉडल का नाम भी बता दो आप, लगे आता मैं देख लेता हूँ। मॉडल था वह, पता है नहीं, शाबाश, बहुत बढ़िया अमन नीरज है ना, हाँ नीरज, हेराल्ड डॉमर का मॉडल था। बहुत अच्छा, बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे कि बच्चों को याद है। अब एक बात, प्रश्न, ये तो प्रश्न है कॉमन, सब जुड़े हुए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब मैं ये बताऊं, पूछूं आपसे कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी वो किसकी तर्ज पर स्टार्ट की गई थी, कहां से बताई बात ली गई कि भारत में भी चलो पंचवर्षीय योजना शुरुआत करते हैं। इसका मतलब कोई दुनिया का दूसरा कोई कंट्री रहा होगा जहां से हमने यह एडॉप्ट की और वहां से सीखा और वहां से हमारे इंडिया में भी लगाई। तो बताओ देखिए कौन सा है वो कंट्री, जल्दी बताओगे? बहुत अच्छा वैभव यादव, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यूएसएसआर से, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि वर्तमान में क्या बोलते हैं इसी कंट्री को, क्या बोलते हैं, रूस, रसिया बोलते हैं। अब रसिया ने पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई, बिल्कुल प्रश्न है ये, आए हुए ही प्रश्न है जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ, रसिया में इसका मतलब पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चलाई गई जिसकी तर्ज पर इंडिया ने भी फिर से अडॉप्ट किया जवाहरलाल नेहरू के जमाने की बात है। हाँ बिल्कुल आता है, बार बार आता है बच्चों, बिल्कुल आता है ये तो बार बार, ये वो प्रश्न जहां से मैं कराऊंगा वहां से प्रश्न 100% फंसना है, तो टाइम देना है यहाँ पर। अब हो सकता है ये पूछा गया, अब इस कुछ और पूछेगा वहां, तो यह उसका पीरियड था बच्चों 1928 से स्टार्ट हुई और 32 तक चली थी। यह पहली पंचवर्षीय योजना थी जो यूएसएसआर ने स्टार्ट की थी। तो अगला प्रश्न ये आ जाएगा एनडीए में, सीडीएस में आ जाएगा, किसी अब एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में पूछा जाएगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक, इसी को आगे, उस समय स्टार्ट किया तो भारत में तो इस समय कौन है, जवाहरलाल नेहरू है जब स्टार्ट किया 1951 की बात है। ये जब स्टार्ट किया उस जमाने में वहां कौन था, इंपोर्टेंट प्रश्न बन गया, उस समय कौन था वहां, तो वहां था स्टालिन, स्टालिन वहां का बड़ा ताना सा रहा हालांकि वह, लेकिन स्टालिन था वहां का प्रेसिडेंट है, वहां का मैन रूलर वही है, ये भी याद रखना आप, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए बच्चे। ठीक, अगला प्रश्न क्या है देखो, हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब प्रश्न दोनों अलग अलग है, ध्यान से सुनते जाना इसमें। अगर प्रश्न पूछा जाए हरित क्रांति का पिता, अब यहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे देखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे, और यहाँ से भी आया एनडीए में प्रश्न, एनडीए में प्रश्न यहाँ से भी आया। हरित क्रांति के पिता अगर कहा जाए दुनिया में, तो दुनिया में तो कौन सा है, नॉर्मन बोरलॉग, याद रखोगे, यह मेक्सिको ड्वार्फ वैरायटी इन्होंने बनाई थी गेहूं, गेहूं की। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता कि भारत में कौन, तो भारत में हरित क्रांति के पिता, ऐसा इंडिया में ऐसा पूछता, तो यह एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन याद रखना, यह एम एस स्वामीनाथन। अगर प्रश्न ऐसे आया कि हरित क्रांति भारत में कब हुई, तो यह हुई है 1967 की बात है, 66-67 में हुई है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बस ये आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक, आगे बढ़िए, कुछ बच्चे पहले भी आगे आगे भाग रहे हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं, खुशी की बात है, ये भी बात बढ़िया है। लावणी, लावणी कहाँ कहाँ है बच्चों, तो लावणी कहाँ का डांस है, तो लावणी लोक नृत्य है कहाँ का, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में करते हैं लावणी और तमाशा, लावणी लिखा है ये, महाराष्ट्र लावणी करते हैं।
जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, वहां का लोक नृत्य को बोलते हैं रऊफा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम आते हैं। ऐसे देख लो, यहाँ से मैं आपको करवा देता हूँ। यह इसे बोलते हैं वहां पर रऊफ, वहां का लोक नृत्य क्या है रऊफ। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, यानी कि वहां का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, तो ये कुचिपुड़ी याद रखना, यहीं से याद रखते रहना है। अलग करने जाओगे तो मुझे पता है वहां जब एक साथ ही टॉपिक आएगा तो वहां तो अपना आप सारे हो जाएंगे, लेकिन जहां जहां बार बार रिवाइज होता रहे। मणिपुर में मणिपुरी सहगान, और महाराष्ट्र का क्या हो गया लावणी, और तमाशा भी करते हैं वहां। इसके अलावा मोहिनीअट्टम और कथकली, ये केरल की, और भरतनाट्यम हो गया कहाँ का, तमिलनाडु का। घूमर हो गया कहाँ का, राजस्थान का। गरबा हो गया कहाँ का, गुजरात का। ओके, पूरा हाँ, मणिपुरी सहगान मणिपुर का। ठीक, आगे बढ़ते देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, करने वाला कौन था, इनमें से पूछा गया। प्रश्न ऐसे भी आएगा, ऐसा भी आता है कौन सी डायनेस्टी के राजा ने की। तो अब तो डायनेस्टी तो देखो आपका ये गुप्त डायनेस्टी है। अब गुप्त डायनेस्टी में वो किंग कौन सा था जो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया बच्चों, तो उस किंग का नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त सी इसका आंसर है बच्चों, बिल्कुल। कुछ बच्चों ने लिखा भी है, कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, करते करते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलता है ना। हाँ, लाइक जरूर ठोक दो बच्चों, लाइक ठोका करो ना। हाँ, ये जरूरी है, लाइक करना जरूरी है बच्चों, लाइक नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 25 का। देखो क्या बोलता है 25, बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया। अनुच्छेद यानी आर्टिकल, सीधा पूछा है। वित्त फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन की बात है, कौन सा, 280 सीधा सीधा याद रखना 280। वित्त आयोग का गठन 280, ठीक याद रखना बात। 270 कहां से आ गया बच्चों, कोई 270 भी लिख रहा है, क्यों लिख रहे हो भी 270 ना, 270 का तो कोई मतलब नहीं। 370 जरूर था, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, उसे हटा दिया 370, इसलिए तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। 370 पाकिस्तान का समस्या हुई उसे, क्यों कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था वहां, और उसे तोड़ दिया राज्य को हमने, और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, सेंटर के अंडर कर दिया। वो 370 धारा, 270 को ही नहीं है, 280 वह है वित्त आयोग, याद रखोगे। आगे बढ़िए, बहुत अच्छा, यहां से भी आपकी लंबी कहानी चलती है। देखो क्या है, याद रखना मेरी बात, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह से फॉलो करते जाए, बस चिंताएं दूसरी छोड़ दे, मेरे ऊपर छोड़ दो, सिलेक्शन करवाना मुझे, जितनी आपकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है, बेफिक्र रहे आप ना। हाँ, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चों का सिलेक्शन मैं नहीं कराऊंगा तो फिर क्या किया जीवन में, बताओ। चिंता छोड़ो, मेहनत आपको करनी है। देखो सबसे पहले आपको याद रखना जो मैं बताता हूँ उनका सुनते जाओ। 1773 उससे पहले हम लिख लेते हैं 1757, मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखो, पहले आराम से टाइम दूंगा इसे लिखने का। उसके बाद में 1833, उसके बाद वापिस 1857 के बाद में 58 और 1947, ये आपसे प्रश्न पूछे गए हैं जो आप समझ जाओ क्या क्या है। यहाँ से सारा पूरा का पूरा ये पूरा कंप्लीट आ गया आपके दिमाग, बस समझते जाओ। सत्रह सौ सत्तावन में प्लासी का युद्ध हुआ बच्चों, और प्लासी के युद्ध के बाद में बना बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर बना लॉर्ड क्लाइव। कौन बना, लॉर्ड क्लाइव, कब, 1757। और फिर बाद में आते आते चलते चलते 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय लास्ट बंगाल का गवर्नर जो था ना, बंगाल का गवर्नर याद रखना, यहाँ वापिस लिख देता हूँ, एक तो आएगा बंगाल का गवर्नर, एक आता है बंगाल का गवर्नर जनरल, एक आता है इंडिया भारत का गवर्नर जनरल, और फिर बात करते हैं वॉयस राय, ये हम बातें करते हैं, यहां से प्रश्न आते हैं और आते ही रहते हैं। तो यहाँ उस समय जब 73 का ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय इंडिया में था वॉरेन हेस्टिंग, क्या नाम है, वॉरेन हेस्टिंग, वह बंगाल का अंतिम गवर्नर था,
और उसी समय यह आया क्या 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, तो वह ही पहली बार बनाया बंगाल का गवर्नर जनरल, वही बना बच्चों। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना पहला 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत? पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना, ठीक, याद रखो के बात। अब ध्यान से सुनते जाओ। अरे आंसर की मैं उसी दिन तो बता दी थी, एनडीए की उसी दिन शाम को मैंने डिस्क्राइब किया था, फिर भी कुछ बचा रहेगा तो भेज देंगे ना, बेफिक्र, मैं वापस देखता हूँ आज देखिए। चलो उसके बाद 73 की बात हो गई, 73 से लगा करके 33 तक क्या चलता रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल चलते रहे। 1833 के अंदर एक चार्टर एक्ट आया और उस समय भारत का गवर्नर जनरल पहला बनाया गया और उस समय था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक यह भारत का पहला, भारत कंप्लीट ना का पहला गवर्नर जनरल बना। उसके बाद 1857 की होगी क्रांति और क्रांति के समय था लॉर्ड कैनिंग। यही प्रश्न है आपके एग्जाम में आ रहे हैं बच्चे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो है शासन अधिनियम आया और उसमें जो है बना दिया गया लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का गवर्नर जनरल से पद खत्म कर दिया गया और उसे बना दिया पहला वॉयसराय। वॉयसराय का मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म और क्राउन यानी ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। तो यह लॉर्ड कैनिंग पहला वॉयसराय बना, याद रखना। उसके अलावा हम बात करते हैं 1947 यानी जब हम देश हमारा आजाद हो गया, देश आजादी के समय वो ब्रिटिश ताज का जो वॉयसराय चलता आ रहा है वह जो था, वह था कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही देश को आजादी मिली। अब वह बाद में देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद उसी को ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और बाद में जब वह गया तो राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया भारत का, स्वतंत्र भारत का दूसरा गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, या वही बने भारत के अंतिम, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, सब उसने के बारे में। तो यह बातें आपको याद रखनी है, लॉर्ड माउंटबेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आपने आंसर इसका दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए बच्चों। 27वां प्रश्न, क्या गिरवन, गिरवन कहाँ है? तो गिरवन कहाँ पड़ते हैं बच्चों, गुजरात में पड़ते हैं। इसी में तो पाया जाता है एशियाटिक लायन, एशियाटिक शेर कहाँ मिलते हैं, गिरवन गुजरात में मिलते हैं। आगे बढ़िए बच्चों। 28वां प्रश्न क्या बोलता है, पृथ्वी के विषय के अंदर कौन सा गलत कथन है? याद, प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी कि फॉल्स कौन सा है, गलत कौन सा है, सही नहीं बताना है, गलत बताना है। गलत जो होगा वो आपका आंसर जाएगा, बताओ देखो। यह एक सघन ग्रह है, सघन, सघन का मतलब डेंस प्लैनेट है, बात सही है, डेंस प्लैनेट है ना। डेंस प्लैनेट किसको बोलते हैं, जहां क्या है घनत्व ज्यादा है, तो कौन सा, यानी कि मरकरी यानी बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये सभी क्या है, डेंस है। उसके आगे वाले क्या है, वो रेयर है। आगे बात करते हैं, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल बात पक्की है, सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर तो तीसरा है, और साइज के हिसाब से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसे रेड प्लैनेट के रूप में जाना जाता है, गलत बात है बच्चों, रेड तो मंगल को बोलते हैं, तो यही गलत है, यही हमारा आंसर है, ठीक। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है, बिल्कुल ये भी बात सही है। आगे बढ़ो, 29वां क्या है देखो, पुणे को कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? अब यहाँ आपसे प्रश्न जो भी आ रहे हैं वो उनको सबको सॉल्व कर रहे थे। पुणे जो थी बच्चों वह पेशवाओं की राजधानी थी, पेशवा कौन है देखो, ये पेशवा। भोंसले जो लोग थे वह थे कहाँ, नागपुर में, तो नागपुर जो राजधानी थी वह भोंसलों की राजधानी थी, याद रखना। होलकर लोगों की राजधानी थी वह थी सिंधिया लोग, अरे होलकर इंदौर में, तो इंदौर राजधानी थी इनकी इंदौर, ठीक, याद रखना है। उसके अलावा सिंधियाओं की राजधानी क्या थी, तो ग्वालियर, ग्वालियर ये सिंधियाओं की राजधानी। एक और इसके अंदर बीच में रह गया, उनको भी मैं लिख ले, डी के बाद में ई करके लिख देना यहाँ,
और या नाम लिख देना गायकवाड़, क्या लिखोगे गायकवाड़ लिख दो। ये गायकवाड़ों की राजधानी क्या थी, तो ये थी बड़ौदा, बड़ौदा बड़ोड़ा कर दो या बड़ोड़ा कर दो, बड़ोड़ा। इसे वर्तमान में कहते हैं बड़ोदरा या वडोदरा, वडोदरा गुजरात में पड़ता ही है। बस याद रखना है, भूलना नहीं है। वापिस सुनो, सिंधिया कहाँ के, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़ और पुणे के पेशवा, ये पांच शक्तियां थी मराठाओं की। याद रखना, इसे मराठा बनना है, भूलोगे नहीं, इंपोर्टेंट है। यहाँ आगे बढ़ो, ठीक। ग्वालियर की क्या है, ग्वालियर के लोग, ग्वालियर किसकी है, सिंधियाओं की, होलकर की कौन, इंदौर, नागपुर की भोंसले और बड़ौदा किसकी, गायकवाड़ों की बड़ौदा और पुणे की पेशवा, ठीक। आगे बढ़ते, लास्ट प्रश्न आपका, बृहदीश्वर टेम्पल किसने बनाया था। प्रश्न ऐसा नहीं है, किसी ने ये भी आंसर लिखा है, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। बृहदीश्वर टेम्पल बनाने वाला था राज राज प्रथम, राज राज प्रथम था चोल वंश का शासक था, चोल वंश का शासक, और उसने जो है तंजौर के अंदर, तंजामबुर या तंजौर के अंदर जो बनाया था बृहदीश्वर का मंदिर। तंजौर जो है कावेरी नदी के तट पर तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अब इससे बनने वाले सारे प्रश्न आ गए फिर। हाँ, वही तंजौर तंजामबुर एक ही बात है बच्चों, उसे कहते हैं राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का चावल का कटोरा, इतना ज्यादा चावल होता है, डेल्टा एरिया में पड़ता है, वह कावेरी नदी के डेल्टा वाले एरिया में पड़ता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी वापिस मेन क्लास पर। पहले तो प्रश्न कैसे लगे, किसी ने प्रश्न किए होंगे पहले और किसी ने अभी ही कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न वहीं के आसपास घूम रहे हैं, सारे सेट जो भी बना रखे उन्हीं के आसपास ही घूम रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अगर इसी तरह से सेट आपके लगभग 20 सेट कर दिए जाए और फैक्टोलॉजी बता दी जाए, करंट अफेयर्स बना दिया जाए, तो आपके 2.5 से 3 महीने में जो कोर्स होगा उसमें सारा का सारा सिलेबस पूरा आ जाएगा। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं उसी तरह से, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, आज सबसे पहले, अच्छा कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। शिवम फार्मर, बहुत बढ़िया, वेरी खुश, मैं खुद फार्मर हूँ बच्चों, बहुत खुशी हुई मुझे ऐसा शब्द सुन के, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। पीडीएफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। आशीष कुमार, आउट ऑफ 30, 28, वेरी नाइस, बहुत खुशी हुई मुझे, पीडीएफ मिल जाएगा, अभी मैं भिजवा देता हूँ बच्चों, ठीक है, उसकी चिंता नहीं है। इसके अलावा कोई खास बात, स्क्रीन शॉट का भी मौका दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे थोड़ा बता दिया करें कि स्क्रीन शॉट है ना, तो बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं मुझे ना, जहाँ पर मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा वहाँ स्क्रीन शॉट चाहिए, कहना है मुझे, याद भी दिलाया करें, अच्छी बात है। हाँ, कम से कम जो पढ़ाया वो तो स्क्रीन शॉट जरूर ले लिया करें, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। CDS का बैच भी स्टार्ट होगा, हाँ बिल्कुल, जल्दी ही, और जल्दी ही स्टार्ट करेंगे CDS का भी बैच, बेफिक्र है, चिंता ना करें। CDS में तो पढ़ाना और मजेदार बात है बच्चों, और मजेदार, क्योंकि उसके अंदर जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल दिल खुश करने वाले आते हैं, इतने डेंजर प्रश्न आते हैं, और जहाँ डेंजर वहाँ खुशी, मजा तभी आता है बच्चों, ना। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसी बात है, अपना अपना मन, अपना अपना विचार, ना। हाँ, लेकिन किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए GS आजकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ना। हाँ, सारी सब्जेक्ट तो है ही, GS का कितना रोल है आप समझ सकते हो ना। और जीवन को जीने में अगर ज्ञान नहीं है तो जीवन ही निरस है, सूखा सूखा है जीवन। आगे बढ़ते हैं, आज मैं स्टार्ट करता हूं हिस्ट्री, तो हेडिंग डालो इतिहास, इतिहास हिस्ट्री। इतिहास किसको बोलते हैं पहले तो ये जानकारी लें, इतिहास का मतलब क्या होता है बच्चों, इति और हास, टर्म कहां से बना, इति और हास से बना। अब इतिहास का मतलब क्या होता है, इति का मतलब अब तक, हास का मतलब जो हो चुकी, इसका मतलब ये हो गया कि जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जो इवेंट्स या इंसिडेंट्स
जो घटित हो चुके हैं और उनको स्टडी, क्रमबद्ध स्टडी यानी कि उसकी जो है एक सीक्वेंस से उसको ऑर्डरली सीक्वेंसली उसको स्टडी करना, ये इतिहास है। यानी कि घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। दिमाग में याद रखने की बात। अब इतिहास का क्या महत्व हमारी जिंदगी जीवन में, ऐसे हालांकि प्रश्न नहीं आते लेकिन जानकारी रखते, बस क्या है इसका इतिहास का महत्व? इतना है कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज कैसे लोग थे, उनके समय कैसी संस्कृति थी, कैसी कला थी, कैसी मॉन्यूमेंट्स बनाए, उनका लाइफ कैसा था, उनसे हमें सीख मिलती है और अपने आप को गर्व कर सकते, गौरव है। दूसरी बात, उन्होंने कौन सी गलतियां की थी जिस कारण उनको उनका ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ा, उससे सीख लो और जीवन में हमें वैसी गलतियां नहीं करनी। वो कौन से अच्छे काम थे जिनके कारण उनका उतना बड़ा नाम हुआ, वो अच्छे काम करो, ये इतिहास सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा इतिहास का पिता किसको बोलते हैं बच्चों? तो देखो, अब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो याद रखना है प्रश्न, इतिहास का पिता बोलते हैं हेरोडोटस को बच्चों, हेरोडोटस याद रखना है, प्रश्न आता है इसलिए आपको याद रखना। हेरोडोटस को क्यों बोलते हैं बच्चों इतिहास का पिता? क्योंकि यह पहला ग्रीक यानी कि यूनान का रहने वाला वह व्यक्ति था जिसने किताब लिखी थी हिस्टोरिया, द हिस्टोरिया उस किताब का नाम था, और उस किताब के अंदर द हिस्टोरिया में, द हिस्टोरिका या द हिस्टोरिया बोलते हैं, द हिस्टोरिका कर, द हिस्टोरिका लिख देता हूं मैं, द हिस्टोरिका। और इस किताब के अंदर उसने लिखा था यूनान के साथ में पर्शियन कंट्रीज के जो वार हुए, यानी फारस की राजाओं के, यूनान के राजाओं से जो लड़ाई हुई, उसका उसने क्रमबद्ध स्टडी किया था, लिखा था उन युद्ध के बारे में, और इसीलिए इसे हम इतिहास का पिता कहते हैं। इस किताब का नाम याद रखना है, इस व्यक्ति का नाम रखना है याद, और ये कहाँ का रहा? यूनान का रहने वाला था, ये याद रखना पहली बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हम इतिहास को पार्ट में बांटते, तीन पार्ट में बांटते, कौन कौन से वो आपको समझिए, आपके हिसाब से पहले बात करते हैं ताकि आपको याद रहे, समझ में आए। बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जानता समझते जाना। इतिहास को मोटे तौर पर तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं, हमारा जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं उसके हिसाब से कह रहे हैं, डिवाइड करना तो बहुत लंबा चौड़ा है। पहला सीधा हम लिखते हैं इतिहास को प्राचीन कालीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री, तो ये एंशियंट हो गया। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तो यह मध्यकाल हो गया, मध्यकाल का इतिहास जिसे हम बोलते हैं मिडवल, तो यह मिडवल हिस्ट्री। उसके बाद में हमारा आता है आधुनिक भारत का इतिहास, तो यह आधुनिक भारत का इतिहास जिसे बोल दो हम मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, ध्यान से सुने, थोड़ी देर में आपकी इंग्लिश की क्लास भी होगी, मैथमेटिक्स की क्लास भी होगी, और जो भी अदर कंपटीशन अपने जो सिलेबस है वो उसकी होगी, आपको जो भेज दिया जाएगा ग्रुप के अंदर भेज दिया जाएगा ना, पहले इसको समझो। बिल्कुल, अब प्राचीन देखो, अब समझने की बात, हालांकि वो उसको इस तरह से याद रखना है आप, ठीक है ना। और कहा भी ये लोगों ने कि प्राचीन कालीन जो इतिहास है वह हिंदुओं का इतिहास है, हिंदुओं का इतिहास मोटे तौर पे समझना, क्योंकि इसमें प्राचीन काल में आप पूरा पढ़ते हैं तो मुस्लिम धर्म है ही नहीं, ईसाई धर्म, इसके यहाँ की बात करें तो ईसाई क्रिश्चियनिटी है, लेकिन इंडिया के ऊपर उसका कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ा है, ये आपको याद रखें। तो ना तो मुस्लिम धर्म की बात है, ना यहाँ क्रिश्चियनिटी की बात आती है, अंग्रेज भी कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में बात है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, उसके बाद में आर्य लोग आते हैं, वैदिक सभ्यता फैलाते हैं, फिर मगध बनता है, महाजनपद आता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से बाहर निकलते हैं और वह प्रकाशित होते हैं अपने आप में। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हालांकि आए कहाँ से, हिंदू धर्म से आए, क्षत्रिय लोग थे वो, क्षत्रियों ने ब्राह्मणों से परेशान होकर के अपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है जन्म दिया और आगे बढ़ाया फैलाया, तो है कहाँ से, वह भी हिंदू धर्म से निकले। तो यह एक तरह से हिंदू धर्म का ही पूरा इतिहास,
उन्होंने हिंदू राजाएं होंगी, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग राजधानियां बनाई, शहर बनाए, व्यापार फैलाया, सेना बनाई, दुनिया भर के जो सारे काम काज के मोनूमेंट्स बनाए, वो सारी बातें। मध्यकाल भारत, मध्यकाल की भारत की बात करते हैं तो इस पीरियड में आकर के हम क्या देखते हैं, तो यहाँ मध्यकाल में इस्लाम आ जाता है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है और 712 से स्टार्ट मानते हैं, किसकी बात मानते हैं, मध्यकाल भारत को मानते हैं, यानी मिडवल हिस्ट्री को मानते हैं। और 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है तब तक हमारा मध्यकाल चलता है, यानी लगभग अगर मानते हैं हम तो यह लगभग कितना 1000 साल, 1000 साल का हमारा मिडवल है। तो यह मुस्लिम इस्लाम की बात है, मुस्लिम तो ये मुस्लिम धर्म के लोगों की बात हम कह सकते हैं, समझने के लिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि किसी धर्म को लड़ाई करवाने की मूड में मैं कतई रहता ही नहीं हूँ ना, हाँ बस समझने के हिसाब से इतिहास। ऐसा नहीं कि इसमें हिंदू राजा नहीं हुए या हिंदू लोगों का कोई काम नहीं हुआ, खूब हिंदू राजा हुए। हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो पूरा का पूरा क्या है, वह हिंदू शासक ही थे। तो यहाँ इस पीरियड में हिंदू शासक भी हुए कई। महाराणा प्रताप की बात करते हैं, इसी पीरियड की बात है, महाराणा सांगा की बात करें, महाराणा कुंभा की बात, तो वो सारा पीरियड हिंदू धर्म के राजाओं का भी यहाँ है, लेकिन मेनली डोमिनेटरी कौन रहे, इस्लाम डोमिनेटेड रहा। हम कहते हैं जी के तस्लम, यानी कि सबसे गजनवी मोहम्मद गोरी, फिर गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक आते हैं, फिर सैयद आते हैं, और फिर लोदी आते हैं, और उसके बाद में आते हैं मुगल। तो मुगलों का सारा काल ये मध्यकाल है। उसके बाद में हम बात करते हैं जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसी से थोड़े पहले इंडिया में आ जाते हैं कौन, यूरोपियन का इनकमिंग होती है। 1498 में पहली बार वास्को द गामा पुर्तगाली आता है भारत में, यूरोपियन, पहला यूरोपियन। अब क्यों आता है, वह भारत का नया रास्ता खोलता है, ट्रेड के लिए आता है, व्यापार करने के लिए आता है, और उसने इस व्यापार वाले एरिया करने के लिए वह इतने लंबे चौड़े एरिया में वह अपना फिर व्यापार भी फैलाता है, फिर वहां पर अलग अलग लोग भी आते हैं ना, हाँ ठीक। अब उसके बाद में यहाँ हम बात करते हैं, फिर पुर्तगालियों के बाद में आते हैं कौन से, हम कहते हैं हॉलैंड के डच लोग, डचों के बाद में फिर आते हैं अंग्रेज लोग, अंग्रेजों के बाद में फिर जो हम बात करते हैं डेनिश लोग, और डेनिश के बाद में फ्रांसीसी लोग आते हैं, और उसके बाद में स्वीडिश लोग आते हैं। सब इंडिया में आकर के अपना अपना व्यापार फैला रहे हैं, पहले व्यापार कर रहे हैं, धंधा शुरू करते हैं यहाँ, फिर अपना फिर वो यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो कोल है, तो यहाँ आपस में भिड़ाते लड़ाते, डिवाइड एंड रूल, और फिर बाद में वह इसमें से अंग्रेज लोग ताकतवर बनते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कब्जा कर लेती है, व्यापार कम शासन ज्यादा, और फिर बाद में तो शासन में ही घुस जाती है, और फिर हम देखते हैं फिर जो है फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है हमारा। तो यह तीन पार्ट में हमने बांट के देखा। आपके सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चों आधुनिक से आते हैं, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, यहाँ से भी बातें करेंगे और यहाँ से भी बातें करेंगे, बिल्कुल ठीक का। तो बच्चों अभी आपकी मेरा टाइम कंप्लीट हो रहा है, सर आए हुए हैं, और आपकी अगली क्लास होगी जल्दी ही, और हमारा इसी तरह से रेगुलर चलता रहेगा। आप अपनी तरफ से फीडबैक जरूर देना कैसा चल रहा है और क्या होना चाहिए, ये तो हमें पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा वो तो हमें पता है, और वो हम करते ही वही जाएंगे, लेकिन आप भी अपनी तरह से सलाह मशविरा जरूर करना कि सर थोड़ा ऐसे या ऐसे या ऐसे या वैसे, ठीक है, उनके बारे में जरूर बताना, और आज की क्लास कैसी रही इसका फीडबैक मुझे जरूर देना, क्योंकि आपका फीडबैक टीचर की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो आप लोगों से लेता हूँ विदा, कल वापिस मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।